हम ना बस स्टॉप। अच्छा चलिए लाइक का बटन दबा के जाइएगा अगर हमें आदत देख रहे हो तो। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों के लिए सब करना और खुद के लिए। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड डिटेक्टिव में। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आना ही था, तो आज हमें ताड़देव में जो कि है सेंट्रल लाइन में, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। और हम कहाँ पे खड़े हैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राशन की लाइन नहीं, एक्चुअली वो राशन की नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे कोई लंगर भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे लोग खड़े इसलिए क्योंकि हमें पाव भाजी, और कौन सी पाव भाजी, सरदार पाव भाजी, जहाँ पे बटर की गंगा बहती है। तो ये गंगा को देखने के लिए मैं खुद यहाँ पे आ गया और मैं बोला क्यों ना अपने व्यूवर्स को बताया जाए, क्योंकि कभी ना कभी आपका भी तो यहाँ पे आना होता है, होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते और चल के देखते हैं कि कैसा बनता है और क्या है। तो चलिए देखते, चलो चलो चले चलिए। यार तो फाइनली मैंने पाव भाजी तो ले लिया। और मैं आपको बता दूं बाहर खड़े रहने का रीजन क्या है, क्योंकि आप क्राउड तो देख ही रहे हो, साथ में मैं नहीं चाहता कि हमारे वजह से किसी को कोई डिस्टरबेंस हो। सो मैंने फाइनली अपना पाव भाजी पार्सल करवा लिया। मैं एक खास बात बता दूं इनके यहाँ का, अगर आप पाव भाजी कहीं पर भी खाते हैं या कहीं पर जाते हैं पाव भाजी खाने, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा 98, 97, चलिए मैं 1977 कह लेता हूँ, बट आपने कहीं पर ना 1966 नहीं देखा होगा। तो इनके यहाँ की ना खान पान यही है 1966, यानी समझ रहे हो कि जब हमने पाव भाजी सोचा नहीं होगा तब से पाव भाजी बना रहे हैं। तो अब इसको खोल के खाने का वक्त आ चुका है, तो चलिए बिना टाइम गवाए क्यों ना इसे खोला जाए और खाया जाए। चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि पूरा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है और बटर पूरा ऊपर से एकदम भरा पड़ा, आप देख सकते हैं। इसमें कांदा बट मुझे उसका यूज़ नहीं करना है। ये देखिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए बटर इस तरीके से एकदम मस्त है। और अगर पाव की बात करें तो मेरे पास पाव है जो कि मैं ऐसे निकालू। आप देखिए मैं बस स्टॉप पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि रीज़न क्या है, बट रीज़न देने के साथ मैं पछता भी रहा हूँ क्योंकि मुझे बस स्टॉप पे खा के दिखाना पड़ा है। बट मुंबई में अगर खाने की जगह ना बना पाए तो मुंबई में रहना बेकार है दोस्तों। तो चलिए खाते हैं पाव। देखिए पाव में पूरा एकदम बटर और मेरे पूरे हाथों में बटर लग चुका है, मतलब यहाँ पे ना सच में बटर की गंगा बहती है। तो आइए चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं, ये देखिए। और बटर के साथ ये पाव भाजी 1996 की पाव भाजी मैं 2021 में खा रहा हूँ, वाह क्या कहने। ये देखिए अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितना टेस्टी और लजीज दिख रहा है, अभी खाने के बाद और मज़ा आएगा। तो ये देखिए तैयार है आप सब इसका टेस्ट जानने के लिए, ये देखिए। ये
यहाँ पे क्राउड डिजर्व करती है यहाँ पे आना। एक्चुअली ये सरदार पाव भाजी डिजर्व करता है ये जो क्राउड इनके पास आ रही है, क्योंकि ये जो टेस्ट है हमारे साथ मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आपको ऐसा लगता रहेगा सिर्फ बटर डाला हुआ तो बटर का टेस्ट आता हुआ, नहीं, इसमें जो भाजी इस्तेमाल किया गया ना उसका टेस्ट पूरे तरीके से पता चल रहा है। बिल्कुल अगर मैं कहूँ ये सिर्फ और सिर्फ अगर बटर का टेस्ट आ रहा है तो मेरे लिए कहना बिल्कुल गलत होगा, पूरा पाव भाजी और बटर और सब कुछ, और मैं बस स्टॉप पर मज़ा ले लूँगा। आई होप कि मुझे कोई आके चिल्लाया ना, इसलिए मैं खा के मिलता हूँ और खड़े होकर फिर आपसे बात कर देता हूँ, मैं खाके खत्म कर देता हूँ, ठीक है, मिलते हैं आने के बाद। तब तक आप जाके देखिए बाकी का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। कम से कम इसे देख के तो लाइक दे दीजिए, तुम्हारा बंदा बस अच्छा चलिए लाइक का बटन दबा के जाइएगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों के लिए सब करना और खुद के लिए भी। ओके यार, तो इसी बाइट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक दबाए मैंने मत करना और शेयर करना ना भूले, और क्या हाँ, आप मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं दोनों यहाँ पर देखिए साइड साइड में दिखते होंगे, उसे फॉलो कर लीजिएगा। नहीं भी दिख रहे तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई आपको फटाफट मिलेंगे। तो इसे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खाते रहना और खिलाते रहना। बाय बाय, टेक केयर, और डेफिनेटली विजिट कीजिएगा।